बीपीएससी के द्वारा अंतिम समय में अचानक परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कई सारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ है जिस पर कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात करें, या पूरक रिजल्ट पर क्या बात हुआ इस पर भी बातचीत करेंगे, या जो हजारीबाग में बच्चे पकड़े गए उनका क्या होगा, उनका यदि पहुंच नहीं होता तो उनके पास प्रश्न पत्र कैसे मिल जाता, बहुत सारा बात नहीं हुआ है इस पर बात करेंगे। क्या क्या अचानक परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से कैसे आपको जूझना पड़ेगा, उस परिवर्तन को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। मेरे साथ नवीन सर है सर, आपका स्वागत है एग्जाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक परिवर्तन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, बताया भी गया कि अब नोटिस भी आ जाएगा बहुत जल्द, क्या क्या परिवर्तन हुआ सबसे पहले? परिवर्तन से पहले हम सभी छात्रों को यह कहना चाहते हैं कि कोई चीज के लिए हड़बड़ाना नहीं है। आप बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से आपने मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, और जितना मेहनत किया है अगर सही तरीके से आपने मेहनत किया तो रिजल्ट भी आपका होगा, ये बात भी तय है। इसलिए निगेटिव बातें जो भी इसमें होगी उससे बचने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी होगा बदलाव वो सभी के लिए होगा, इस बात को मानना होगा, बाकी कोई परेशानी वाला बात नहीं। अब आते हैं मूल बातों पर कि क्या क्या बातें हुई। जो सभी दिनों से जो दावे किए जाते रहे हैं हर एग्जाम से पहले कि ये चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, पिछली जो भी गलतियां हुई है उसको पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, अब उस तरह की गलतियां नहीं होगी, बल्कि बीपीएससी अपनी यानी बीपीएससी आयोग अपनी जिम्मेवारी को भली भांति समझती है, पूरी तरीके से समझती है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का भी प्रयास करेगी। तो ये तो हो गई कि मूल बातें जो सब दिन दावे किए जाते हैं। इसमें और चीज जोड़ा गया कि जहां क्वेश्चन सेटिंग से लेकर के प्रेस से लेकर के जहां डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पहुंचा और डिस्ट्रिक्ट से जहां पर सेंटर पर क्वेश्चन पहुंचेगा, कंप्लीट जीपीएस से लेस रहेगा व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट अलग अलग टीम की व्यवस्था की गई है कि कोई तरह का कदाचार ना हो, कोई तरह का भ्रष्टाचार ना हो, आप लोग जालसाजों या जालसाजी के बहकावे में ना आवे, ये सब मूल बातें हैं। इसके अलावा जो व्यवस्था जैसे पैकिंग में, पैकिंग वाली बात जो हमेशा होती थी कि पैकिंग का सील टूटा हुआ रहता था, तो इस बार पैकिंग की खास व्यवस्था की गई है, और जब एग्जाम हो जाएगा एग्जाम के बाद भी जब जहां पर उसको स्ट्रॉन्ग रूम में क्वेश्चन रखा जाएगा वहां के भी विशेष तरह के केमिकल से पैकेजिंग की व्यवस्था की बातें कही गई है, ये दावे किए गए हैं। इसके अलावा 400 सेंटर पर, टोटल 400 सेंटर की बातें कही गई है, 400 सेंटर पर 10,000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, इस तरह की बातें की गई है। सेंटर पर जैमर लगाया गया है, इस तरह की व्यवस्था की गई है, और बीपीएससी मुख्यालय से उस कैमरा के माध्यम से पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, उसकी बातें की गई है माननीय चेयरमैन के द्वारा। अब इसमें ये तो 100% दावा किया गया है कि कदाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, 0.00001% ऐसी बातें की गई है, 100% ना बोल करके इतना परसेंट मतलब बोल दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, सबसे इसमें मुख्य सवाल जो पहले से भी एक तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति थी कि क्या क्वेश्चन में बदलाव संभव है। क्वेश्चन में जैसे सेट में बदलाव की बातें हम लोग कर रहे थे कि एक ही सेट को नंबरिंग में चेंज करके अलग अलग सेट बनाया जाएगा या कंप्लीट सेट ही अलग होगा, तो ये क्लियर कर दिया गया कि तीन तरह का सेट रहेगा, तीन तरह का कंप्लीट अलग सेट तीन तरह का रहेगा, और उस तीनों सेट का कलर भी अलग अलग रहेगा। उसमें एक मुख्य बात बताया गया कि पूरे बिहार में तीनों सेट अलग अलग जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज तीनों सेट अलग अलग जाएगा, या हर सेंटर पर तीनों अलग अलग सेट जाएगा। बोला गया कि इसको गौण रखा गया है, लास्ट मोमेंट में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ये गोपनीयता बरतने का प्रयास किया जा रहा है जिससे किसी तरह का धांधली की गुंजाइश ना रहे। चलिए ये अच्छा प्रयास है, इसमें कोई भी उस तरह की बातें नहीं है, लेकिन जब तीन अलग अलग तरह का क्वेश्चंस बनाए जाएंगे स्वाभाविक रूप से तीनों का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। अब कंफ्यूजन यहाँ बच्चों का अधिक से अधिक बनता है कि कितना इसको आत्मसात करने के लिए या इस चीज को कितना बच्चे स्वीकार कर पाएंगे, तो स्वीकार करना बच्चों की मजबूरी है, लास्ट मोमेंट में किया गया है, तनाव वाला ये कारण है, लेकिन जो भी है वो आपके भाग्य के जिम्मे रहेगा। हालांकि दावे तो ये किए गए हैं सरकार के द्वारा, बिहार सरकार या बीपीएससी के द्वारा ये दावे किए गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यानी परसेंटाइल
के आधार पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर के एग्जामों में किया जाता है, ये राष्ट्रीय एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, चाहे वो NTA हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर RRB हो, चाहे NDA का जिस तरह से एग्जाम एक से अधिक सिटिंग में होता है, तो वो उन एजेंसी का जो रूल रेगुलेशन है, उनका जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है चेयरमैन सर ने कि आप लोग यानी छात्र तनाव बिल्कुल भी ना लें, अगर आपको इजी सेट मिला होगा या टफ सेट मिला होगा आपके साथ उचित न्याय होगा रिजल्ट बनाने में ये। लेकिन हमारा जो अपना अनुभव रहा है रेलवे में भी अन्य एग्जाम में भी कि छात्रों में इसको लेकर एक असंतुष्टि हमेशा बना हुआ रहता है एक अंदर से, मे भी कि वो अपने प्रोसेस से बराबर करते हो, बराबर हो जाता रहा है 20 साल 22 साल का हमारा भी इस फील्ड का अनुभव है और रेलवे बहुत पहले इस चीज को अपना चुकी है। तो जब छात्र रेलवे के ही छात्रों से हम बात करते हैं रिजल्ट के बाद, कुछ छात्र जो होता है सर हम तो 40 सही बनाए थे, मेरा बढ़ के 65 हो गया यानी 25 नंबर तक बढ़ गया। कुछ छात्र बोलते हैं कि हमने तो 70 बनाया था, मेरा घट के 64 हो गया। तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा असंतुष्टि होता है जिन छात्रों का मार्क्स घटता है या जिनका बहुत नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर हाँ कम बढ़ता है, या रिजल्ट हो गया तब तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट नहीं हुआ तो तरह तरह के नुक्से निकाले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी परिस्थितियां हैं आपको अपनाना होगा, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप अपना बेस्ट देने का वहां प्रयास कीजिए। इन सब लफड़ों या इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है, इन सब चीजों का तनाव आपको नहीं लेना है, अपना बेस्ट दीजिए, आपके साथ बेस्ट होगा। सर दो बात, विद्यार्थी भी वेट कर रहे थे, बिहार के जितने भी लोग हैं वो भी वेट कर रहे थे कि आखिरकार जो हजारीबाग में बच्चे पकड़े गए, नकल करते पकड़े गए, उनके पास प्रश्न पत्र पाया गया, करोड़ों का बिहार सरकार को नुकसान हुआ, बिहार के लोगों का नुकसान हुआ, बच्चे का भविष्य बर्बाद हुआ, इतना समय लगा फिर भी उस पर कुछ नहीं बोला गया, पूरक रिजल्ट पर कुछ नहीं बोला गया, क्या हुआ? ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस पर टिप्पणी होना चाहिए था कि BPS जो हजारीबाग कांड हुआ, हजारीबाग में जो उतने छात्र पकड़ाए तो निश्चित रूप से उनका पकड़ दूर दूर तक था, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाए। तो उनके साथ क्या हुआ, क्या उनको डिबार किया गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी और उनको बाहर करना चाहिए था, नहीं तो निश्चित रूप से इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा हुआ रहेगा। हाँ, इन बातों पे दावा जरूर किया गया कि इस तरह से जो गड़बड़ी होती है अगर उसमें कोई संलिप्त पाए जाते हैं तो आगे चल करके उनको सब दिन के लिए BPSC से डिबार कर दिया जाएगा। सिर्फ ये तो पिछला बार भी बोला गया, लेकिन इन लोगों को किया कहा? हाँ, सिर्फ डिबार करने से आपका काम नहीं चलेगा, कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और स्पष्ट उसके बारे में गाइडलाइन BPSC की तरफ से आना चाहिए था। एक बात तो ये हो गया, दूसरा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक मुख्य मुद्दा था कि आप एक ही छात्र 3-4 अलग अलग सिटिंग का एग्जाम दे रहे हैं, 6-8 दे रहे हैं, 9-10 दे रहे हैं, 11-12 दे रहे हैं, इसके अलावे भी कल्याण विभाग का अलग एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षा विभाग अलग दे रहे हैं। तो जब एक ही छात्रों का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट हो जाता है तो क्या वो जो सीट वैकेंट होता है उस वैकेंट सीट पर उन्हीं एग्जाम्स में से जो छात्र वेटिंग में रह गए हैं उनका रिजल्ट उस पर जाएगा, वो उनका सीट कंफर्म होगा? इन बातों को कंफर्म करना चाहिए, नहीं तो छात्रों को इससे लॉस है, इस बात को समझना होगा। पूरक पर क्या बोले? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में स्पष्टतया बताया गया कि इससे पहले जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखे वास्तविक में वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना था बल्कि आपत्ति व्यक्त किया हुआ रिजल्ट था। वो हर बार बयान बदल जाता है, हर बार बयान बदल जाता है। और TRE 3.0 के बारे में उन्होंने स्पष्ट अब बताया कि सरकार के द्वारा यानी सामान्य प्रशासन विभाग से इस तरह की या शिक्षा विभाग से कोई भी अनुशंसा नहीं की गई है, पिछला भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का और आगे भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे इसकी कोई अनुशंसा नहीं की गई, इस पर स्पष्टतया उनके द्वारा बोला गया। मतलब कई बातों पर वो लोग चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे, और मेरे ख्याल से इस पर टिप्पणी होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे छात्र बहुत आशान्वित थे जिस तरीके से मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लगातार कोर्ट में चल रहा है, और जिस तरीके से छात्र को लग रहा था कि कोर्ट डिसीजन इसके पक्ष में दे सकती है, हम लोगों का भला हो सकता है क्योंकि मार्क्स हमारा बराबर रह गया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से कम रह गया है और इतनी सारी सीटें
अलग अलग कारणों से वैकेंट हुई है, तो इनको लग रहा था कि कम से कम 14-15 हजार बच्चों का समायोजन सप्लीमेंट्री या पूरक रिजल्ट के माध्यम से हो पाएगा, तो यहाँ पर छात्रों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।